सॉरी फॉर द इंटरप्शन बेटा, आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द टूल्स वर ऑल्सो मेड बाई द मैटर कॉल्ड प्रेशर फ्लैकिंग. इन दिस टेक्निक अ प्रॉपर स्टोन टूल्स विद अ हैंडल वर यूज फॉर फ्लैकिंग और शार्पनिंग. इसके बाद उन लोगों ने स्टोन टूल्स को एक नया ही शेप दिया जिसको प्रेशर फ्लैकिंग कहते हैं. प्रेशर फ्लैकिंग, फ्लैकिंग एक टाइप का स्टोन होता है जिसकी मदद से दूसरा स्टोन को एकदम उनके शेप में कर देते हैं. उनको पूरा प्रेस करके उनको पूरा वो स्टोन होता है वो शेप में कर देते थे. और उनके साथ साथ स्टोन के साथ साथ उन लोगों ने स्टोन का हैंडल भी बनाया जिससे वो लोग ने हैमर, एग्स, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बनाए थे. और वो सारे टूल्स उनको जो अच्छे थे वो बहुत ही शार्प बनाए थे. उनके जो भी स्टोन थे उनको उसने पॉइंट को बहुत ही शार्प किया था. स्टोन टूल्स मेड लाइक दिस वर मच मोर हैंडी एंड कन्वीनियंट टू यूज. जाहिर की बात है अच्छे अच्छे टूल्स बना ले लगे तो वो ज्यादा कन्वीनियंट हो गए. सिर्फ और सिर्फ आप जस्ट सोचो, आपके पास स्टोन है और स्टोन टूल्स है तो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट क्या होगा यूज करना? डेफिनेटली स्टोन टूल्स. अगर आपको स्टोन से बोले कि आपको मीट को कट करो और स्टोन टूल से, शार्पन स्टोन स्टोन टूल से बोले कि मीट को कट करो, तो आपके लिए क्या आसानी होगी? डेफिनेटली स्टोन टूल्स ज्यादा होगा. तो जैसे जैसे टाइम जाता गया, अर्ली ह्यूमंस ने, जो अर्ली ह्यूमंस थे वो धीरे 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 करते डिफरेंट डिफरेंट एडवेंचरस, डिफरेंट डिफरेंट डिस्कवरीज करने लगे थे. तो इस तरह से उन लोगों ने डिफरेंट स्टोन से टूल्स बनाए जो उनको बहुत ही यूजफुल होते थे. मीट को कट करने में, उनको स्किन स्क्रैप करने में तो होते थे, साथ ही वाइल्ड एनिमल्स से बचने के लिए भी होते थे. वुड कट करने के लिए, ट्रीज कट करने के लिए भी वो लोग ये स्टोन टूल्स का ही यूज करते थे. आई होप अभी तक की जो डिस्कवरी ऑफ फायर एंड मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स है वो आपको समझ में आ गया होता. लेट्स कंटिन्यू. रॉक पेंटिंग्स. रॉक पेंटिंग्स क्या होते हैं? रॉक मतलब बड़े बड़े पत्थर. ओके, बड़े बड़े पत्थरों पे अर्ली ह्यूमंस ने पेंटिंग करना स्टार्ट किया था. कैसे? एज रॉक पेंटिंग, एज लाइफ बिकम मोर सेटल्ड फॉर द अर्ली ह्यूमंस एंड दे फाउंड मोर रिलायबल मींस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, दे गॉट स्पेयर टाइम टू इंडल्ज इन आर्टिस्ट एक्टिविटीज सच एज पेंटिंग्स एंड ड्रॉइंग्स. धीरे धीरे लाइफ उनकी सेटल हो गई, इजी हो गई, उनके पास स्पेयर टाइम बचने लगा. पहले तो वो पूरा दिन हंटिंग में और मीट कट करने में ही उनका टाइम चला जाता था, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स और प्लांट्स ढूंढने में. लेकिन धीरे धीरे उनके पास जैसे जैसे इक्विपमेंट्स आते गए, जैसे जैसे टूल्स आते गए, उन लोगों का काम बहुत ही ईजी होने लगा. और ईजी काम में उनके पास स्पेयर टाइम रहने लगा, है ना. पूरा दिन हंटिंग की जगह है, उनके पास थोड़ा फ्री टाइम रहने लगा. वो फ्री टाइम में उन लोगों ने थोड़ी डिफरेंट एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी थी. दे स्टार्टेड पेंटिंग एंड ड्राइंग. उन लोगों ने पेंटिंग और ड्राइंग करना स्टार्ट कर लिया था. मेनी केव्स इनहैबिटेटेड बाय अर्ली ह्यूमंस ड्यूरिंग द स्टोन एजेस हैव बीन फाउंड विद पेंटिंग्स एंड एंग्रेविंग ऑन देयर वॉल्स एंड सीलिंग्स. अर्ली ह्यूमंस में जो लोग, वो तो केव्स में ही रहते थे. ऐसा हमारे पास प्रूव, ऐसा एविडेंस मिला है कि पहले के जमाने में जो केव्स में रहते थे, जो अर्ली ह्यूमंस केव में रहते थे स्टोन एजेस में, उन लोगों ने केव्स को पूरा पेंटिंग किया है. उनकी वॉल, उनकी सीलिंग्स को पूरा पेंट किया है. यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखा गया है केव पेंटिंग ऑफ भूमबेटका. भूमबेटका में बहुत ही ये केव पेंटिंग के एविडेंस हमें मिले थे अर्ली ह्यूमंस के, जिसमें उन लोगों ने ज्यादातर रेड कलर और येलो कलर यूज किया है पेंटिंग के लिए. तो जैसे जैसे अर्ली ह्यूमंस को टाइम मिलता था, स्पेयर टाइम मिलता था, उन लोगों ने अपना माइंड दूसरी एक्टिविटीज में स्टार्ट कर दिया था और उनके अपने केव्स में डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स और ड्रॉइंग करना भी स्टार्ट किया था. ओके, नाउ भीमकेटा केव्स. भीमकेटा केव्स इन इंडिया, द केव्स ऑफ भीमकेटा इन मध्य प्रदेश ऑफ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑन देयर वॉल्स एंड सीलिंग्स. मध्य प्रदेश में एक प्लेस है जिस एक केव है, केव्स है, उनको कहते हैं भीमकेटा. वो केव्स में हमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अर्ली ह्यूमंस की पेंटिंग सीलिंग्स वॉल्स पे, केव्स की वॉल्स और सीलिंग्स में मिली थी. दिस केव्स वर रॉक शेल्टर्स and they provide the earliest trace of human settlement in the Indian subcontinent. ये केव्स रॉक शेल्टर्स कहलाते थे. रॉक से बने हुए शेल्टर्स थे जो अर्ली ह्यूमंस ने वहां पे इनहैबिटेट करने, मतलब रहने के लिए यूज किए थे.
द पेंटिंग्स लाइक अदर क्रेविंग सॉरी कार्विंग्स ऑफ द सेम पीरियड फाउंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड मोस्टली डेपिक एनिमल्स सच एज बिशन टाइगर्स एंड लायर्स सीन्स ऑफ हंटिंग कम्युनल डांसिंग वुमन प्रिपेयरिंग फूड एंड द नेचुरल एनवायरमेंट ऑफ द इनहेबिटेंट्स. क्या क्या पेंट किया था, डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स उन लोगों ने बनाई थी अपने केव्स में, बट कौन कौन सी थी, बिशन की थी, टाइगर्स, लायन, सीन ऑफ हंटिंग, वो लोग जब हंटिंग करते थे वैसे सीन्स बनाए थे, कम्युनल डांस, वो जो डांस करते थे अपने टाइम पे वो डांस की पेंटिंग बनाई थी, वुमन वुमन थी वो जो फूड कुक कर रही थी उनकी पेंटिंग, ये सारे पेंटिंग्स केव्स के वॉल्स और सीलिंग्स में पाए गए थे. The main colors used in Bhimketa paintings are red and white with occasional use of green and yellow. वहाँ पे चार कलर यूज हुए थे, ज्यादातर रेड एंड व्हाइट थे एंड ओकेजनली थोड़ा बहुत ग्रीन एंड येलो से भी पेंटिंग किए थे. आई होप यहाँ तक का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में बताती हूँ. आज हमारे दो पीरियड्स है तो आई एम सेंडिंग यू द अनदर वीडियो फॉर द सेकंड पीरियड. टिल देन टेक केयर, बाय.